गुड मॉर्निंग एवरीवन किड्स, ईवीएस में आज हम लोग आइडेंटिफाई द पिक्चर्स करेंगे। इसमें आपको पिक्चर बनी हुई मिलेगी और उसको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका पिक्चर में जो आपको दिख रहा है उसका नेम राइट करना है ना। तो जैसे हम लोगों ने अभी 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और वो चैप्टर आपको पता ही है, एक चैप्टर तो एनिमल्स और वर्ड्स के बारे में था और सेकंड चैप्टर था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। अगर आप ऑनलाइन में जो हम पढ़ाए हैं उसको सुने होंगे या आपके पास जो वीडियो आया है उसको सुने होंगे और या फिर आपके पास बुक है उसको आप रीड किए होंगे ध्यान से, तो आपको इसको पहचानने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं उनमें से सारी पिक्चर्स तो आप नहीं बना सकते हो क्योंकि पिक्चर आपको बना हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ उसका नेम राइट करना है और उसके लिए आपको क्या होगा, स्पेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे अभी आपके पास वर्क आएगा उसमें भी आप कर सकते हो या फिर आपके बुक में ये सब पिक्चर्स हैं उसका नेम आपको सबको आता है, ऐसा नहीं कि नेम नहीं आता, नेम सबको आता है लेकिन उसके हमें स्पेलिंग भी सीखने हैं। ठीक है, तो जैसे बेटा स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। अब फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये तो एक कॉमन वर्ड है ना, सब पहचानते हैं, ये क्या है, क्रो। क्या है, क्रो। और सेकंड पिक्चर में ग्रीन कलर का पैरोट है ना, इसकी वी कैसी है, रेड। नेक्स्ट है नंबर 3, इसको तो बहुत लोग अपने घर में पालते भी हैं है ना। तो आगे है ये कौन सा वर्ड है, पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी है ना, ऐसे हम लोग जो हाथ में पहनते हैं उसको भी घड़ी बोलते हैं है ना। तो उस ये है जो वॉल पे लगती है, दीवार पे लगती है ना, क्लॉक जो हम लोग हाथ में रिस्ट पे पहनते हैं उसको रिस्ट वॉच। नेक्स्ट है ये क्या है, बड़ा सारा पत्थर है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉक, चट्टान। ठीक है, और ये बेबी। नेक्स्ट नीचे है, ये बेबी है और नेक्स्ट नीचे है ट्री की पिक्चर है ना। तो ट्री तो हमारे आसपास होते हैं बहुत लोगों के, जिनके पास काफी खुला जगह रहता है उनके घर में भी लगे रहते हैं, आप अपने स्कूल में भी देखते हैं ना, काफी सारे ट्री लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आगे है लाइन है ना, तो लाइन क्या है, हमने क्या पढ़ा था, ये एक वाइल्ड एनिमल है ना, जंगल में रहता है ना, कि पेट एनिमल है, पेट एनिमल तो नहीं है, कोई इसको घर में रख सकता है। नेक्स्ट बेटा है ये कैमल है, और कैमल कहाँ पे रहता है, रेगिस्तान में रहता है ना, और इसका स्पेशलिटी क्या है, इसमें इसके एक हम्प होता है ना कैमल के, और रेगिस्तान में वो बहुत तेजी से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सैंड होता है, बालू होता है। और नेक्स्ट क्या है, ये एलिफेंट है ना, और इसके नीचे जिराफ। जिराफ का क्या होता है, इसकी नेक जो है बहुत लंबी होती है, लॉन्ग होती है, लॉन्ग नेक होती है इसकी। ठीक है, और आगे ये क्या है, शीप, और शीप से हमें क्या मिलता है, वूल, और उससे क्या बनता है, स्वेटर, कोट, मफलर, सॉक्स, ये सब जो हम विंटर सीजन में अभी पहन रहे हैं। राइट, तो ये आपने पहचान तो कर लिया, आइडेंटिफाई तो कर लिया है और नेम भी आपको याद है। अब हम चेक करते हैं कि आपको स्पेलिंग कितने आते हैं, लेकिन है सारे ही इजी। ठीक है, फिर भी लेकिन बेटा इसको आने चाहिए आपको। स्टार्ट करते हैं, जैसे ये हमने क्या पढ़ा था, क्रो। अब क्रो की स्पेलिंग सी आर ओ डब्ल्यू
क्रो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पैरोट, पी ए डबल आर ओ टी, पैरोट। और उसके आगे पिजन, पिजन की स्पेलिंग पी आई जी ई ओ एन, पिजन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, ये क्लॉ, सी एल ओ सी के, क्लॉक। नेक्स्ट रॉक, आर ओ सी के, रॉक। आगे बेबी, स्पेलिंग बी ए बी बाय, बेबी, है ना बेटा। सबके स्पेलिंग इजी हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, इसमें आपको बहुत सारे स्पेलिंग पहले से आते हैं। नेक्स्ट है ट्री, टी आर डबल ई, ट्री। इसके आगे लाइन, एल आई ओ एन, लाइन, ओके। यहां पे बेटा क्या है, कैमल, सी ए एम ई एल, कैमल। और उसके आगे क्या है, एलिफेंट, ई एल ई, ई एल ई, पी एच ए एन टी, एलिफेंट, राइट। तो आगे क्या है, यहां पे जिराफ, जी आई आर ए डबल एफ ई, जिराफ, ठीक है बेटा। और सबसे लास्ट में क्या है, शीप, एस एच डबल ई पी, शीप, है ना बेटा, इजी है ना। तो ये बच्चे डेफिनेटली सब बच्चों को स्पेलिंग्स आते हैं और थोड़े बहुत काम आते होंगे, तो आपको ऐसे ही बोल बोल के जब राइट करोगे तो आ जाएंगे, ओके बेटा।